या फिर से एक गाना लेकर के आ गया है टोनी कक्कड़ जिसका नाम है नंबर लिख। अब भाई इस गाने को सुनने के बाद बस एक ही चीज समझ में आ रहा है कि इन्होंने पूरा एकदम जिम्मेदारी उठा लिया है कि जितने भी छपरी है उनके लिए एकदम फुल्ली डेडिकेट गाना बनाएंगे कि भाई कोई लड़की अगर मोहल्ले में नहीं आई है तो भाई उनके लिए जो है ये गाना परोस दो और उसके बाद से जो लड़के इस गाने को गा गा के छेड़ेंगे। मुझे बस हैरत वाली बात ये लग रही है कि भाई इसमें निकी तंबोली है, टोनी कक्कड़ है और इन सभी के बीच में जो है एक अलग ही तरह का गाना बीच में ऐड कर दिया गया है। देखो अगर नहीं याद आ रहा है ना तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? अरे हम बोल रहे याद आया कुछ? हेलो कौन? हम बोल रहे। हेलो कौन? हम बोल रहे। मतलब ये क्या है यार, वो गाना किधर गया? चांद मेरा नाराज है, खुदा भी जब तुम्हें मिले हो तुम हमको, ये सभी गाने गए किधर? मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन जो है ना भोजपुरी से लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, भोजपुरी में भी जो है फुल्ली अश्लीलता चलती है, यहाँ पे भी चल रही है। अब देखो मैं इस गाने को देख रहा था और देखते देखते अचानक से रिकमेंडेशन में आया हमारे खेसारी लाल भाई साहब, भाई जो वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार भी माने जाते हैं और बहुत बड़े सिंगर भी माने जाते हैं, तो उनका एक अचानक से वीडियो हाथ लग गया और वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी धमकी थी बॉस कि भाई सच्ची बता रहा हूँ फट गई, बहुत बुरी तरह से फट गई। भाई फट गई तो एक म्यूजिक बजा दे प्लीज। हो थोड़ा रिलैक्स हुआ सुन करके। देखो मेन मुद्दा यह है कि भाई इन्होंने एक गाना बनाया था और गाना बिल्कुल वैसे ही एकदम अश्लीलता से भरा हुआ और उस गाने के अंदर में इन्होंने कहा कि चाची तोरा बाची हमरा सपना में आवत नहीं, पता नहीं ऐसा कुछ था जिसका मीनिंग ये होता है कि चाची तुम्हारी बेटी मेरे सपने में आती है। अब लोगों ने हमेशा के जैसे एंजॉय किया जो कि भाई वहाँ के ऑडियंस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि चाची की बेटी यानी खुद की बहन और खुद की बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो यार, तुम लोग पागल हो क्या? खेसारी भैया एकदम सही है, अपनी बहन से कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब हर कोई थोड़ी ना यार कि गरीब सिंगर होता है थोड़ा सा फेम पाने के लिए सेम गाने के ऊपर में थोड़ा सा लिरिक्स बदल के अपना गाना चिपका दे तो भाई उसकी पिटाई हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ पंकज के बारे में कि जो भाई उसी गाने को जो है थोड़ा बहुत हेर फेर करके चिपका डाला और चिपकाने के बाद जो है हमारे खेसारी भैया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया। बुरा इस बात का लगा कि वो गाने के अंदर में ये था कि खेसारी की बेटी सपने में आती है, अब बस ये सुनते ही हो गए ऑफेंड। अब पंकज भैया का कहना ये है कि साला तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसी हिपोक्रेसी है भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस डर इस बात का है कि एक और नंगा पहलवान ना पैदा हो जाए। पता चला वो भी गाड़ी लेकर के सड़क पे निकला और पंकज के ऊपर चढ़ा करके बोला मेरा ड्राइवर था वहाँ पे, मैं नहीं था, मेरा ड्राइवर था। भाई साहब ने सीधा बोला खेसारी, खेसारी लाल, खेसारी लाल यादव, ये तीन चार नाम जो है उन्होंने रजिस्टर करवा करके रखे हैं। नहीं शाहरुख खान तो तेल लेने गया ना, हाँ सलमान खान भी तेल लेने के लिए गया है और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम मतलब रजिस्टर नहीं होता, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं, वो अपना ट्विटर हैंडल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे आकर के अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते। शाहरुख खान आके नहीं बोलते देखो SRK हो, शाहरुख खान हो, किंग ऑफ बॉलीवुड हो, ये सभी नाम जो है मैंने रजिस्टर कर लिए हैं और अगर इस नाम के ऊपर में किसी ने भी आतंक मचाया उसको बहुत प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि सनी लियोन जैसी आवाज निकालने लग जाओगे बेटे। क्या बकवास कर रहा हूं मैं? ठीक है हम मान गए कि भाई बहुत बड़ा नाम है और हम ये तीन नाम बिल्कुल नहीं लेंगे, ना खेसारी लाल बोलेंगे, ना खेसारी लाल यादव बोलेंगे, ना खेसारी बोलेंगे। बहनिया के हम तो बोल दे ब्रे। तो भैया का कहना है कि अगर हम कमाने के लिए कुछ कर सकते हैं तो गवाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम 20-25 लाख रुपया लगा देना तो तुम्हारे खानदान तक को उठवा सकते हैं। शायद इसी डर से हमारे कैरी मिनाटी भैया, एलविश यादव, तगेश, यहाँ तक के लक्ष्य चौधरी द ओपिनियन मैन, ओपिनियन का सुपर मैन, उसने तक इस टॉपिक को हाथ नहीं लगाया। आतंक देख रहे हो आतंक, हाँ साला हिपोक्रेसी की भी, अरे PM साहब बोलो ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि देखो अगर हमरा फोटवा का यूज किया तो क्या किया, यूज, अगर फोटवा का यूज किया तो हम तुम्हारा, फिर उसके ऐसे बदले बोले हम इतना प्यार करेंगे कि सनी लियोन जैसे आवाज निकालोगे, समझ रहे हो ना बात को, तो हमरा फोटवा को, हमरा नामुआ को और हमरा किसी भी जगह पे वीडियो के नीचे में अगर कमेंट किए पेल दे। हाँ भाई साहब को जरा जाकर के बताओ कि इन्होंने इससे पहले कैसे कैसे गाना गाए हैं, मतलब भाभी चूस ले उसके बाद से भाई कुछ तो बलून्स लगा करके, अब इस गाने का मीनिंग नहीं पता लेकिन यार कैमरा वर्क से तो समझ में आ रहा है कुछ धमाकेदार बहुत ही संस्कृति वाली चीज दिखाई जा रही है। हाँ यकीन मानो ये सारी चीज गंदगी नहीं होती है, इन्हीं सारी चीजों से तो हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और उसमें सबसे बड़ा वाला हाथ अगर है ना, अबे हाथ बोला हूँ,
हाँ बड़ा वाला हाथ अगर है ना तो वो इन भाई साहब का। अब देखो ये मचान जो है ना आज से 15 दिन पहले मच रहा था, काश उस वक्त मैं बोला होता पर आया नहीं था ना यार, मेरे को दिखा ही नहीं। तो आज से 15 दिन पहले ये मचान चल रहा था, कोई पंकज सिंगर था और कोई खेसारी लाल था। अब इन दोनों के बीच में मस्त घमासान हे रगड़म पट्टी चल रहा था। बस उसके बाद से 2-3 दिन पहले ही हमारे किशनवा ने बोल दिया, अरे रवि किशन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सीधा कह दिया कि भोजपुरी के अंदर में जो भी गाना आ रहा है ना उसके अंदर की अश्लीलता उसको हमें खत्म कर देना चाहिए, अश्लीलता भरा गाना जो भी होगा ना हम उसको हटा देंगे। साथ साथ ये भी बोला कि साउथ की फिल्में भी होती है उसमें कोई भी वल्गर सॉन्ग नहीं होता फिर भी फिल्में सुपर हिट होती है, मनी रत्नम के साथ भी मैंने काम किया है तो इसके बाद से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐसे गानों को जो है हटा देना चाहिए, बैन करना चाहिए, वल्गैरिटी के ऊपर में पूरी बैन लगानी चाहिए। फिर अचानक से मेरे ध्यान में आया कि जब मैं स्कूल टाइम पे था तब मेरे कान में कुछ गाने गूंजे थे और उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी कि इस गाने का रियलिटी से क्या लेना देना है, लेकिन जब समझ में आया तो मुझे पता चला कि भाई रिमोट से किसी का कुछ भी उठा सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूं, कुछ भी नहीं होता साला, उस रिमोट से मेरा घर का टीवी बंद नहीं होता था, लहंगा क्या उठेगा बे। तो भाई को बिल्कुल ऐसे ही रियलाइज हुआ कि उन्होंने भी कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो कि आपत्तिजनक हो सकती है, तो उन्होंने सीधा एकदम डिसेंटली इस बात के लिए माफी मांग ली और बोला आने वाले समय पे ऐसे गाने हटा देंगे। मुझे तो नहीं लगता साला ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिल्मवा देखने कौन जाएगा बे, पहले तो गाना हिट होता है फिर थिएटरवा में जाते हैं कि ये गाना का विजुअल का है। चलो माना है कि अभी यूट्यूब में जो है गाना रिलीज हो जाता है। देखो किसी ने खेसारी लाल के इस वीडियो के ऊपर में बहुत अच्छा सा रिप्लाई किया कि बेटा जो बोओगे वही तो काटोगे, कल तक तुम किसी और की माँ बहन के बारे में बोल रहे थे, आज तुम्हारी बेटी के बारे में बात आई तो तुम्हारे मतलब एकदम छगुने जल गए यार, भपकी लग गई। अब देखो जिस चादर मोर ने उसकी बेटी के ऊपर में गाना गाया है उसको तो पहले पेलम पाल दो ठीक है, लेकिन जितने लेवल का पेलम पाल उसको दोगे उसी लेवल का इन भाई साहब को भी मिलना चाहिए या नहीं बताओ, क्योंकि अगर गलती उसकी है तो इनकी भी तो बहुत पुरानी पुरानी गलती है और बहुत बड़ी बड़ी, जिसके वजह से मतलब लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये आया कि बलून जो है उड़ाने के नहीं दबाने के काम आते हैं। भाई इन्होंने ही बताया कि भाई कैसे चूसा या चुसवाया जाता है, इन्हीं भाई साहब ने ये बताया है कि सपने में आने के बाद कैसा कैसा मन करता है, तो ये सारी चीजें यंगस्टर के दिमाग में डाल कौन रहा है। हाँ और बिहार में अगर ये गाना ना आए तो फिल्म हिट कैसे होगी। देखो रवि किशन जी आप एकदम गलत कर रहे हो, आपको वोट नहीं मिलेगा। वैसे थोड़ा बहुत शक ये भी है कि भाई साहब ने हेल्प मांगने के लिए कहीं रवि किशन को कॉल तो नहीं ना कर दिया कि अपने बातों में थोड़ा वजन बढ़े और उसके बाद से इस वल्गरिटी के नाम के ऊपर में सबका सफाया की जाए। अगर सच्ची में ऐसा है और अगर रवि किशन सच्ची में ऐसा करना चाहते हैं तो भाई उनको जो है पूरा सफाया करना चाहिए, जिसमें कोई भी निरुहा कोई भी केसरी लाल नहीं दिखने चाहिए यार। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है चाची का बाची का जो गाना है, अबे का बोल रहे बे हम, बकलोल हो गए बे। मतलब जो भी गाना गाने के बाद इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है और उसके बाद जो है इन्होंने अपना एक वीडियो मारा है हम पे, वो वीडियो कहीं ज्यादा ही पावरफुल तो नहीं ना है, क्योंकि देखो भाई ये सारे बड़े बड़े रोस्टर थगेश भाई जो के कंटेंट की कमी की वजह से बोलते हैं कि भाई लेट होता है डालने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको भाई कंटेंट की कमी में इतना बड़ा कंटेंट नहीं दिखा। कैरी मिनाटी चलो माना आजकल बहुत बड़े करोड़पति हो गए, वीडियो डालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा यार रिलैक्स वाला बात चलता है, पता है जब सब्सक्राइबर आता है तो यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और एंटरटेन करने से ज्यादा खुद को रिलैक्स करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलो कैरी मिनाटी की बात अलग है पर उसको भी यार इस पे वीडियो बनाना चाहिए, पर हमारे 1 मिलियन वाले जितने भी लोग हैं, सलोनी यापा हो, थगेश हो, अल्विश यादव हो या फिर लक्ष्य चौधरी हो, सम्राट भाई हो, सम्राट भाई तो ऐसे मुद्दे पे कूद पड़ते हैं कि देखो भाई हम अपना ओपिनियन रख रहे, जिसको ऑफेंड होना है हो सकते लेकिन हम तो अपना रखेंगे, इस बार रखना भूल गए का। अब देखो भैया सच्ची में इकरा ऊपर में अगर कोनो कदम उठा रहे हो ना तो ये कदमवा के ऊपर में थोड़ा एकाध कदम जो है बॉलीवुडवा फिर भी रख दो। हाँ जिस तरह से रवि किशनवा जी ने बोला है कि ऐसा ऐसा गाना रिलीज होता है कि अपने माँ बहन के साथ में अपने फैमिली के साथ में वो गाना सुन भी नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही हाल अपना बॉलीवुडवा का भी है, मतलब लॉटी सैया जी चिकनी क्या 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 हाँ घोसला फैला के रखते हैं ये लोग, नहीं 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 चाहिए, सबको एक साथ साफ कर दो और उसके बाद से बारी आएगी हमारी। हम रोस्टर तो है नहीं वैसे, ओपिनियन देते हैं, फिर भी हमारी जो भी रोस्टर कम्युनिटी है गाली देना बंद। पर यार आप लोगों को भी जाकर के अपने आइकॉन से कहना चाहिए कि प्लीज यार इस पे वीडियो बनाओ, मैंने तो जाके ठकेश के इसमें कमेंट किया है कि प्लीज यार प्लीज इस पे वीडियो बनाओ और तू डर गया है क्या, मैंने सीधा मुंह पे बोला है, बारी आपकी है।
एंड हमारे लिट्टी चोखा किंग, यानी हमारे जो गाने के किंग है, पता नहीं एक्टर वाले किंग है, जो भी किंग है, 20-25 लाख में यार दुनिया नहीं खरीद सकते, समझ में आ रहा है? 20-25 हजार करोड़ लेकर के आओ तो मानेंगे, समझ में आ रहा है? 20-25 लाख में साला एक ही पे केस कर सकते हो बे, हम बता रहे, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है बे, 20-25 लाख में जो है ना पूरी दुनिया नहीं खरीद सकते, 20-25 लाख में एक ही इंसान की बैंड बजा सकते हो। चलो बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, म्यूजिक लगाओ रे।